أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Welcome to Almuni High School e-learning system Two class आज हमारा उर्दू का यूनिट नंबर 13 है और उनवान है हमारे मौसम हमारे मौसम प्यारे बच्चों आज हम आपको मौसम के बारे में बताते हैं मौसम से मुराद हमारे इर्द गिर्द ज़मीन का माहौल आबोहवा और दर्जा हरारत है जो कि बदलता रहता है तब्दीली के लिहाज से एक साल में चार मौसम होते हैं कितने मौसम होते हैं चार मौसम होते हैं सर्दी गर्मी बहार और हज़ान मुख्तलिफ मौसमों के मुताबिक लिबास खुराक रहन सहन और रोज़मर्रा के मामूल भी तब्दील होते रहते हैं मिसाल के तौर पर हमारे स्कूल के खुलने और बंद होने के औकात भी बदल जाते हैं सर्दी का मौसम नवंबर के महीने में शुरू होकर फरवरी तक चलता है इसके बाद बहार का मौसम शुरू होता है जो कि फरवरी के वस्त से लेकर वस्त यानी दरमियान से लेकर अप्रैल के वस्त तक होता है इसके बाद गर्मी का मौसम अप्रैल से शुरू होकर अगस्त तक जाता है सितंबर और अक्टूबर के महीनों में हज़ान का मौसम होता है तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा मौसम के बारे में पढ़ा तो अभी हम पढ़ेंगे सर्दी का मौसम इस मौसम में हवाएं चलती हैं सूरज की शुआएं तिरछी पड़ना शुरू हो जाती हैं इसलिए हम ठंडक महसूस करते हैं हम मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं इस मौसम में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं सर्दी के मौसम में गर्म चाय कॉफ़ी और खुश मेवाजात खाते पीते हैं धूप में बैठना अच्छा लगता है बहार का मौसम ये मौसम आते ही हर तरफ सब्ज़ा फैल जाता है सब्ज़ा फैल जाता है यानी हरियाली हो जाती है हर तरफ फूल ही फूल खिल उठते हैं परिंदे बागात में अपनी मीठी मीठी बोलियाँ बोलते हैं रंग बिरंगी तितलियाँ हर तरफ दिखाई देती हैं बहार के जाते ही गर्मी का मौसम आ जाता है सूरज की शुआएँ सीधी पड़ती हैं जिससे गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्मियों का मौसम इस मौसम में हम बारीक और सूती कपड़े पहनते हैं गर्मियों में ठंडे मशरूबात यानी लस्सी और शरबत वगैरह का इस्तेमाल होता है हर शख्स धूप से बचने के लिए छाँव में बैठना चाहता है गर्मियों के इख्तिताम पर हज़ान का मौसम शुरू हो जाता है हज़ान का मौसम हज़ान के आते ही दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सब्ज़ा ना होने के बराबर होता है हर तरफ पत्तों के बगैर दरख्त नज़र आते हैं इस मौसम में तमाम हरियाली ख़त्म हो जाती है चार मौसमों से साल मुकम्मल होता है हमें चाहिए कि हम हर मौसम का लुत्फ़ उठाएं। मौसम की तब्दीलियों से हम मुख्तलिफ मौसमों का मज़ा लेते हैं और एक जैसे मौसम से उकताते भी नहीं हैं जी तो मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद है मौसम बहार का तो आपको कौन सा मौसम पसंद है जी तो नए अल्फाज कुछ दिए गए हैं हमारे पास यहाँ पर माहौल दर्जा हरारत रहन सहन तिरछी महसूस दिलकश शिद्दत और उकताना इन अल्फाज को आपने लिख लिख कर इनकी मशक करनी है आपको ये ज़ुबानी भी लिखने आने चाहिए ताकि आपको सबक याद करने में और लिखने में मुश्किल ना हो अब हमारा है मशक का काम सबसे पहले आपने अल्फाज मैनी अपनी कॉपी पर लिखने हैं जो कि आपके उर्दू की ब्लू टैग कॉपी पर लिखे जाएंगे और जो सवालात के जवाब हम करेंगे वो भी आपने उर्दू की कॉपी पर ही करनी है सबसे पहले है मंदरजा ज़ेल अल्फाज के मायने लिखें रहन सहन ज़िंदगी बसर करने का तरीका शिद्दत मायने है ज़ोरदार दिलकश मायने है खूबसूरत सवाल नंबर एक है मौसम किसे कहते हैं मौसम से मुराद हमारे इर्द गिर्द ज़मीन का माहौल आबो हवा और दर्जा हरारत है दूसरा सवाल है एक साल में कितने मौसम होते हैं जवाब लिखिए एक साल में चार मौसम होते हैं सवाल जीम है सर्दी का मौसम किन महीनों में होता है जवाब लिखिए सर्दी का मौसम
नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में होता है। अगला सवाल है, सर्दी के मौसम में दिन रात कैसे होते हैं? जवाब है, सर्दी के मौसम में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं। गर्मी के मौसम में कौन से मशरूबात पीते हैं? गर्मी के मौसम में ठंडे मशरूबात यानी लस्सी, शरबत वगैरह पीते हैं। आखिरी सवाल है, हमें हर मौसम का लुत्फ क्यों उठाना चाहिए? जवाब लिखिए, क्योंकि मौसम की तब्दीलियों से हम मुख्तलिफ मौसमों का मज़ा लेते हैं और एक जैसे मौसम से उकताते भी नहीं हैं। जी, अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त और गलत पर गलत का निशान लगाइए। पहले जुमला है, हमारे इर्द गिर्द ज़मीन का माहौल, आबो हवा और दर्जा हरारत है, दुरुस्त। तो यहाँ पर दुरुस्त का निशान लगाइए अलिफ पर। बे है, एक साल में एक मौसम होता है, गलत। तो एक साल में 4 मौसम होते हैं, तो यहाँ पर गलत का निशान लगाइए। सर्दी के मौसम में गर्म हवाएं चलती हैं, गलत। सर्दी के मौसम में तो ठंडी हवाएं चलती हैं ना, तो गलत, गलत का निशान लगाइए। गर्मी में हम ठंडक महसूस करते हैं, गर्मी में हम ठंडक महसूस करते हैं, नो, तो इसका मतलब है ये गलत है, तो गलत का निशान लगाइए। आखिर में है, गर्मी में हम छांव में बैठते हैं, दुरुस्त। गर्मी में हम छांव में बैठते हैं, दुरुस्त का निशान लगाइए। सवाल नंबर 3 है, हरूफ को अलग अलग करके लिखें। पहला लफ्ज़ है ज़मीन, ज़मीन के हरूफ को अलग अलग करके लिखिए, ज़े, मीम, ये, नून, ज़मीन। उसके बाद है हुराक, खे, वाओ, रे, अलिफ, कौफ, हुराक। सूरज, सूरज के हरूफ को अलग करके लिखिए, सीन, वाओ, सीन, वाओ, रे, जीम, सूरज। आखिरी लफ्ज़ है इस सवाल का सर्दी, सीन, रे, सर, दाल छोटी है, दी, सर्दी। सवाल नंबर 4 है, हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएं, मीम, वाओ, सीन, मीम, मौसम, मीम, वाओ, मो, सीन, मीम, सम, मौसम। लिखिए मौसम, ज़े, मीम, ये, नून, ज़े, मीम, ज़, मीम, ये, मी, नून, मीम, ज़मीन। काफ पे कप, रे बड़ी रे, कपड़े। उसके बाद है शीन, रे, शर, बे, ते, बत, शरबत। मौसम, ज़मीन, कपड़े, शरबत। सवाल नंबर 5 है, जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ हमारे पास है सर्दी, तो जुमला लिखिए, सर्दी के मौसम में हम माल्टे शौक से खाते हैं, सर्दी के मौसम में हम माल्टे शौक से खाते हैं। दूसरा जो लफ्ज़ है गर्मी, गर्मी का जुमला बनाइए, गर्मी का मौसम मई से शुरू होता है। सूरज, सूरज मशरिक से निकलता है, दिलकश, मरी का मंज़र दिलकश होता है। आपने ये जुमले अपनी किताब पर लिखने हैं और बहुत नीट राइटिंग में आप लिखेंगे। सवाल नंबर 6 है, खाली जगह पूर करें, एक साल में डैश मौसम होते हैं, 6 या 4? 4 मौसम होते हैं, 4 पर 4 लिखिए। सितंबर और अक्टूबर के महीने में डैश का मौसम लाते हैं, बहार या हज़ां? सितंबर और अक्टूबर के महीने हज़ां का मौसम लेकर आते हैं। जी, गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं या लंबी होती हैं? रातें छोटी होती हैं। गर्मियों में हम डैश और सूती कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम बारीक या मोटे? बारीक। गर्मियों में हम बारीक कपड़े और सूती कपड़े पहनते हैं। सवाल नंबर 7 है, मुतजाद यानी उल्ट अल्फाज लिखें। पहला लफ्ज़ है जो कि पहला हमारा अल्फाज का मुतजाद लिखा हुआ है, शुरू, हतम। उसके बाद सर्द का उलट लिखेंगे, गर्म, सर्द, गर्म, खुश, तर, चलना, रुकना, दिन, रात, खूबी, खामी। दोबारा से सुन लें, सर्द, गर्म, खुश्क, तर, चलना,
चलना का उलट है रुकना, दिन उसका उलट है रात, खूबी और उसका उलट होगा खामी। सवाल नंबर 8 है, अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें करके लिखें। दूध पीती है बिल्ली, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बिल्ली दूध पीती है। अगला है, हवा उड़ में रहे परिंदे हैं, परिंदे हवा में उड़ रहे हैं। जीम है, छाए बादल हैं आसमान पर, आसमान पर बादल छाए हैं। बाग खेल बच्चे हैं रहे में, बच्चे बाग में खेल रहे हैं। सवाल नंबर 9 है, परिंदों की आवाज़ें लिखें। सबसे पहले है तोता और इसका लिखा हुआ है टाई टाई, चिड़िया चू चू, चिड़िया की आवाज़ क्या होती है चू चू, कौवा काएं काएं, बिल्ली मियाऊ मियाऊ। G2 क्लास, आपका यहाँ पर सबक नंबर 13 मुकम्मल हो गया है। आपने इस बुक का काम अपनी बुक पर करना है और जो आपका कॉपी वर्क है वो आप अपनी कॉपी पर करेंगे। अच्छे से इन तमाम सवालों के जवाब को, अल्फाज मायने को आपने याद करना है और बुक का तमाम काम जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है उसे भी अच्छे से आपने याद करना है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।